आखिर क्यों नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जलाकर बर्बाद कर दिया। एक्चुअली इस विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्त ने किया था। यह विश्वविद्यालय 30 एकड़ में फैला हुआ था। इसमें कई देश चीन, जापान, इंडोनेशिया और न जाने कई देश से बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। इस विश्वविद्यालय में 10,000 से अधिक स्टूडेंट और 2,000 टीचर थे। एक बार बख्तियार खिलजी की तबीयत खराब हो गई थी और उसका कोई हक में इलाज नहीं कर पा रहा था। तब उसे किसी ने नालंदा विश्वविद्यालय के हेड प्रोफेसर राहुल सर भद्रा जी से चेक कराने की सलाह दी और बख्तियार खिलजी ने चेक कराया, लेकिन यह किसी भी भारतीय मेडिसिन को नहीं लेना चाहते थे। तो प्रोफेसर ने कुरान पढ़ने को कहा और कुरान में मेडिसिन लगा दिया, जिसके कारण बख्तियार खिलजी ने ठीक हो गए। लेकिन इनके मन में एक गुस्सा था कि यह मुस्लिम हकीमों से तेज कैसे, और पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, जिसमें 90 लाख किताबें थे। कुछ किताबें चोरी हो गई और बाकी जल गई।